तो झारखंड में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से अब चुनावी रणनीति पर सभी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण बैठाने में लगी हुई हैं और इस समय यहां सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्ष ने एकजुट होने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही ये कोशिश परवान चढ़ती, विपक्ष के बीच की दरार और गहरी होती नजर आ रही। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसी के साथ सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण सेट करने में जुट गई हैं, लेकिन बीजेपी को पटखनी देने का दावा करने वाला विपक्ष समीकरण सेट करने के बजाय उलझता नजर आ रहा है। बिखर जाएगा विपक्षी महागठबंधन, जेएमएम ने बढ़ाई मुश्किलें। झारखंड विधानसभा चुनाव की सियासी जंग में उतरने से पहले ही महागठबंधन बिखरता हुआ दिख रहा है। झारखंड विकास मोर्चा और सीपीआई महागठबंधन से अलग होकर चुनावी ताल ठोकने का ऐलान पहले ही कर चुका है। वहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आधी से अधिक सीटों की डिमांड करके कांग्रेस और आरजेडी को बेचैन कर दिया है। सीट शेयरिंग का मुद्दा उलझा, जेएमएम के फॉर्मूले ने उलझाई बात। जेएमएम ने कांग्रेस के सामने नया फॉर्मूला रखा। इसके तहत राज्य के कुल 81 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों पर जेएमएम ने खुद लड़ने का ऐलान किया, जबकि 39 विधानसभा सीटें बाकी सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी हैं। इसके तहत आरजेडी को 7 सीटें, कांग्रेस और वाम दलों को 32 सीटें देने का प्रस्ताव है। जेएमएम ने वाम दलों को मनाने का जिम्मा कांग्रेस पर छोड़ा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस झारखंड में 28 सीटों और आरजेडी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने को अड़ी हुई है। ऐसे में वाम दलों के हिस्से में कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आती। महागठबंधन सीटों पर सहमति न बनते देख माले ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मरांडी को साथ लेना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस अब भी जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी को महागठबंधन में शामिल कराने के प्रयास में जुटी है। कांग्रेस पहले से तय फॉर्मूले के तहत जेवीएम के लिए सीट छोड़कर बंटवारा करना चाह रही है। आदिवासी इलाके की सीटों पर भी पेच। यही नहीं, कांग्रेस और जेएमएम के बीच मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय की 28 सुरक्षित सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। हेमंत सोरेन कांग्रेस को 4 से अधिक सीटें नहीं देना चाहते। जेएमएम आदिवासी सीटों में से लोहरदगा, खिजड़ी, मनिका और जगन्नाथपुर ही कांग्रेस को देना चाहती है, जबकि कांग्रेस 6 सीटें मांग रही है। इनमें हटिया, विश्रामपुर, मधुपुर, घाटशिला, बेरमो और गाड़िये सीट शामिल है। कांग्रेस अपने बड़े आदिवासी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, इसके लिए आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें मांग रही है। कांग्रेस 2014 के विधानसभा चुनाव में भी किसी भी आदिवासी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। उपचुनाव में लोहरदगा सीट से कांग्रेस के सुखदेव भगत और कोलेबीरा से नमन विक्सल कोंगारी ने जीत हासिल की थी, लेकिन सुखदेव भगत हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। झारखंड बनने के बाद से अब तक 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2005 से लेकर 2014 तक हुए चुनाव के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो प्रदेश की जनता बदलाव के लिए वोट करती आई है। झारखंड बनने के बाद पहली बार 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो राज्य के कुल 81 विधायकों में से 50 विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।